ठंड बहुत है असल, और मैंने बैग भी पूरी तरह वो डस्टबिन वाली पैक में पैक कर दिया। ऐसा लग रहा है कि डस्टबिन लेके जा रहा है, पर ये डस्टबिन नहीं है, बैग है, क्योंकि बारिश तो आनी है। श्योर, पता नहीं पता चल रहा है कि आपको नहीं, लेकिन मौसम बड़ा बेईमान है, पूरा फोगी फोगी हो रहा है, तो आई गेस बारिश हो भी सकती है। तो मैंने पहले इसको पैक करा लिया, वरना इस पैक में कपड़े भीग जाएंगे ना। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह तो नहीं, फिलहाल तो सूरज भी खिला हुआ है, जय सूर्यदेव। तो सूरज वो देखो बादल के पीछे से चुपके से देख रहे हैं। आज सही में बहुत लेट हो गया, अब टाइम हो चुका है 8:25 हो रहा है, और पता नहीं चल रहा है, 8:25 हो चुके हैं। मौसम बस बेईमान है, फोगी फोगी है। और आप सभी जनों को हैप्पी क्रिसमस। तो गाइस मैं घर जा रहा हूँ, थोड़े दिन घर पे ही रहूँगा, क्योंकि स्कूल तो ऑलरेडी बंद हो चुका है, 16 से स्कूल बंद हो चुका था, और जो पीजी था वो भी बंद हो चुका है, आज मतलब बंद हो जाएगा। हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूँ अविक आत्रे और आप देख रहे हैं अपना चैनल अविक आत्रे। तो सफ़र का मजा लीजिए ठंडे ठंडे मौसम, और मैं होलोंगी होके जा रहा हूँ, और मुझे जाना है 180 किलोमीटर, क्योंकि मेरे पास है, आप सभी जानते हैं मेरे पास है होंडा क्लिक जो 110cc का है, इसको ज़्यादा भगा भी नहीं सकते, बीच बीच में रुकना होता है थोड़ा इसको आराम देने के लिए और खुद को भी आराम करने के लिए। तो भगवान का नाम लेके मैं कर चुका हूँ अपना सफर। गाइस ये वाला सीन तो मस्त है ना, वही हो गया जिसका डर था, बारिश आ गया, अब कैमरे को भी निकालना पड़ेगा और रेनकोट पहनना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ जब बारिश अच्छी तरह से। तो गैस ये शायद लखनपुर जाने का रास्ता है, और मैंने ये पूरा जो सेव कर दिया था ना, अजीब सा लग रहा है खुद को, दो दिन से मैं आईना में देख ही नहीं रहा, मतलब अजीब सा ही लग रहा है, मतलब ज़्यादा छोटा छोटा लग रहा है। तो बस ये है, तो बताना सेव करके कैसा लगा, और बाल भी कम है, सेव भी कर दिया तो अजीब सा लग रहा है, तो यही है। और अब हो रहा है टाइम 9:15, तो मैं अभी गोपुर पहुंचने वाला, मतलब गोपुर पहुंच ही गया फिलहाल। यहाँ पे तो मौसम ठीक है, पता नहीं आगे चल के वो साइड में देखने से पता चलता है कि बारिश हो रहा हो भी सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, तो यही है। और यह है ना नज़ारा, और अब समय हो चुका है, कितना मिनट रेस्ट किया मैंने यहाँ पे मैंने रेस्ट किया तो करीबन 15 मिनट रेस्ट किया, 9:15 था, तो अब हो चुका है 9:30। जैसे कि अब थोड़ा सा फ्री लग रहा है रेनकोट उतारने के बाद। तो तेजपुर 129 है, गुवाहाटी 311, विश्वनाचार्य 63, तो मुझे तेजपुर तो क्रॉस करना ही है। यहाँ से विश्वनाथ चाराली तक का रास्ता खराब है, इसलिए थोड़ा सा होल्ट हो जाते हैं यहाँ पे ना। तो यही है, साथ में ये बैग जो कि डस्टबिन जैसा लग रहा है, अगर इतना प्रोटेक्शन ना किया तो भीग जाना था। तो ये गोपुर का सेंटर, यहाँ पे जो नए जुड़ रहे हैं, अगर आप देख रहे हो या आपके पास पहुंचता है, अगर YouTube आपको भेज रहा है, मतलब आप प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। आ गया मेन हाईवे के बीच में ऑफ रोड आ गया, हम तो KTM वाले नहीं हैं और ना ही रॉयल इनफील्ड वाले हैं, अपन तो होंडा वाले, होंडा क्लिक वाले हैं।
किसी को तो कोई कोई को तो पता ही नहीं है कि कौन सा कंपनी का है ना यूनिक। और मैं जहाँ पे रुका था ना रेनकोट पहनने के लिए, यार उस मतलब झाड़ी थी तो बारिश से बचने के लिए थोड़ा रुका था, तो गोबर पे मेरा पाँव लग गया। अच्छा पवित्र हो गया मैं पूरी तरह पवित्र। धूली खाया रे मैंने तो धूली खाया यार, धूल भरी मांग बहुत है यहाँ पे। तो ये बागमारी का पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे मैंने 150 का पेट्रोल भरा लिया जो, और बैटरी भी चेंज कर दी, बैटरी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी और एक बैटरी को चार्जिंग पे लगा दिया। और अब टाइम हो रहा है 11, तो आई थिंक 12 बजे 12:30 तक तो तेजपुर पहुँच जाएगा क्या। नहीं बागमारी का एरिया का ये जो रास्ता है वो थोड़ा मस्त है, नहीं तो उससे पहले वाला जो बोगाई गाँव था वो जगह का एरिया थोड़ा सा टूटा फूटा था, बीच बीच में मतलब बोल्ट हो रहा था। यहाँ पे अभी मक्खन से ऐसा हुआ है, मक्खन की माफी है मक्खन की माफी। हवा से हिलता है रे, पूरा साइड में कोहरा कोहरा है ना। और देखो खेत कैसे सुनसान लग रहे हैं, मतलब खेत कितना सुना सुना लग रहा है, लोगों ने अपने धान काट चुके हैं, खेतों की हरियाली अब जा चुकी है। यहाँ में पार्ट्स मिलता है क्या भैया? पार्ट्स मिलेगा क्या इसका? पार्ट्स मिलेगा ऐसा ना, बातें जरूरी। पर बिजनेस चैनल को एक्सपोर्ट करने में मन है। तो आई थिंक ये बिजनेस चैनल का टावर ब्लॉक जो कि खराब ही रहता है, एक साइड खराब है क्या ना, एक साइड टाइम दिखाता है। तो गाइस गजराज का दर्शन हो गया। और यहाँ पे देखो बहुत सारे बेर लगे, ये बेर बहुत सारे, इसको हम लोग बोगड़ी बोलते हैं और बेर भी बोलते हैं, बेर शायद हिंदी से बोलते हैं, सबरी के बेर। रास्ते पे तो अब समय हो चुका है 11:40, 12 बजे तक तेजपुर पहुंचेगा क्या। तो ठीक है चलते हैं फिर। सुबह ओट्स खाया था ना तो इतना भूख तो नहीं लग रहा, और चाय पीने का मन बहुत है। और मैं एक बार फिर शुरू कर देने से कहीं रोकने मन भी नहीं होता, ये तो जाता ही इमरजेंसी हो गया था, बहुत ही जोरों से लगे। एक बंदा जो लिफ्ट मांग रहा था पर मैंने लिफ्ट नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे 2 हेलमेट जरूरी होता है, तो अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया चालान मारना हो। अक्षर हमें वो जगह वाला भूल जाता है।
तो 200 रुपये का ऑयल फिलिंग कर लिया, हाथ ऐसे ऐसे कर करके पूरा दर्द हो जाते, इसलिए इसको थोड़ा सा मालिश देना जरूरी है। तो वो जो भाई जी थे ना पेट्रोल पंप वाले जो पेट्रोल डाल रहे थे, तो मेरा साइलेंसर में पाँव रख दिया उनका, बोले तो वाह पाँव जल गया। तो ठेला मारा का पेट्रोल पंप में मैंने 200 रुपये भरा दिया। अब तो मेरा ऑयल फिलिंग 2 बार ही हुआ है, तो अब समय हो गया 1:45, मतलब 2 बजे तक मैं वहाँ पहुँचाऊँगा, तो 2:30 तक घर पहुँच जाऊँगा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं ढिकिया चुली अपना, मेरे को यहाँ से लेना है मिठाइयाँ। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तुम कदम, तेरे नाम अपन ने ले लिया है मिठाई। किने कहा से तू? हाँ तो हम गांव की तरफ चल पड़े हैं, टेन सिटी से अब अंदर थोड़ा जाना होता, आधा घंटा लगता है नॉर्मल में जाए तो, अगर वो स्पीड जाए तो मैंने 15 मिनट्स। तो गाइस मैं आ चुका हूँ और अब समय हो रहा है 3 बजने वाला। तो अब मैं पहुंच गया यहाँ पे घर पे। तो पहुंचने के बाद अब मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। और यहाँ पे भांजी पढ़ रही है और वो अपना मुंह छुपा रही है, और कल एग्जाम है, ये मेरा इंतजार में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही है, ये मुंह छुपाते हुए।